खबर छतरपुर जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध हथियार के विरुद्ध अभियान के तहत सिविल लाइन थाना प्रभारी ने दो आरोपियों को अवैध कट्टा और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में एसपी अगम जैन ने बताया कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बुधवार को सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम कतरवारा से कुंज बिहारी पटेल और हेमराज पटेल को ग्राम कतरवारा से 315 बोर की बंदूक और कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत भी कल रात में हमारी टीम के द्वारा जाकर के अवैध कट्टों पर कार्रवाई की गई है और उनको पकड़ा गया है, और इस प्रकार से अन्य थाना क्षेत्र में भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। अवैध कट्टे यदि कोई रखता है, उसको रख करके रील इत्यादि बना करके डालता है, किसी को डराने का प्रयास करता है या उसको बनाने की मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है, तो हम उन सब पर कार्रवाई करेंगे।